किसी ने पहली बार भेजी तो मुझे, हमारी पत्नी, हमारी माता जी को काफ़ी बड़ा झटका लगा। हमने वैसे पता किया कि बात सही में सही है या नहीं है। हर घर में छोटी सी नोकझोंक होती रहती है और जैसे हमारे पिताजी, काफ़ी सारे पत्रकार लोग उनका स्वभाव जानते हैं, 2004 में जब उन्होंने विदर्भ का जो एक कहना लिया था, तो चाहे किसने भी आगे से बात करी हो, वो पीछे नहीं हटे थे। उसी स्वभाव के कारण, और जैसे उन्होंने लिखा है कि उनको थोड़ी सी पार्किंसंस की समस्या है, और हमारे बीच में अगर कोई गैर छोटी नोकझोंक हुई हो, उसके तहत उन्होंने वो डाला था। हमें बताया जाता है कि फिर कुछ साथियों ने आपके वो पता करने की कोशिश करी और उसमें से ये न्यूज़ बाहर आई, नहीं तो ये फैमिली मैटर जो छोटा मोटा है वो वहीं ख़त्म हो जाता था। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, बाहर इंग्लैंड में रहा हूँ, उसके बाद जर्मनी में इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंसल्टिंग, अलग अलग देशों को उनकी आरोग्य नीति बनाने में मदद करी है। मेरी वाइफ MRCS सर्जन इंग्लैंड से है, MBA किया है लंदन से, इंटरनेशनली मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में एशिया पैसिफिक वो इंचार्ज थी, और हमको दोनों बार हमारे माता पिता ने वापस बुलाया उनके ख्याल रखने के लिए, और बीच में खुद बीमार थे, अगर वक्त पे हम एक्शन नहीं लेते तो कम ज़्यादा हो सकता था। और ये हम सबको, घर में सबको पता है, एक राजकीय घराने में बाहर के ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा होता है, और कहीं कब कुछ बहकावे में आके कोई कुछ कर देता है। मेरे ख्याल से ये वही चीज़ है। आपके द्वारा आप लोग इंतज़ार कर रहे थे सुबह से, और मुझे लगा मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों के पास आना और आपको बताना। कुछ देर पहले हमारे पिताजी वो समझे और उन्होंने अपनी जो कहना था वो वापस लिया है, तो मैटर वैसे भी क्लोज हुआ है। हमारी मदर ने भी वापस ये बताया है कि हम साथ में ही रहना चाहिए, ऐसे लिख के भी दिया है, तो मेरे ख्याल से ये मैटर यहीं क्लोज हो जाता है। और मैं विनती करूँगा बाहर वालों से कि राजकीय चीज़ों को घरगुती चीज़ों में ना लाए, और जैसे मैंने, आप लोगों को पता होगा नागपुर वालों को, कि हमारे घर में कभी बात बाहर नहीं आई। हमारे पिताजी पॉलिटिक्स में थे लेकिन हमारे दादाजी समाज सेवी थे, उन्होंने किसी और को आगे किया था, गेडाम जी को, उनके फादर और फादर के फादर सब स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, और वही राह पे हम चल के इस घर को, परिवार को एक रखना चाहेंगे और राजकारण को बाहर रखेंगे, और जो कुछ भी नोक झोंक घर वाली अगर है उसमें कोई आपको लगता है तो हम घर के घर सुलझाएंगे। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने कहा ये घर में जो है वो मामूली नोक झोंक है, लेकिन कुछ देर पहले ही आपके पिताजी ने कहा कि आपने गार्ड को भी मारा है, ताला तोड़ा है, उनके साथ भी एक बार बदसलूकी की है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला मैं कोई सवाल जवाब लूँगा नहीं। आप चार चीज़ें अलग अलग पूछोगे, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, ना मैं आपको बता पाऊँगा ना आप मुझे बता पाएंगे। अगर उसमें कोई तथ्य होता तो इसलिए मेरे को बोलना नहीं है कि मैं आता ही नहीं आपके सामने, फेस नहीं करता वगैरह वगैरह, और आप लोग मेरे को जानते हैं, मैं सोशली एक्टिव था, पॉलिटिकली आप सब मेरे को जानते हैं, जिसको भी जो भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं। मेरी वृत्ति अगर वैसी होती तो आज तक के इतिहास में 40 साल के मेरे, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती, तो मुझे लगता है ये बेसलेस चीज़ें हैं। और कृपया मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ऐसे सवाल करके इसको पॉलिटिसाइज करके कोई फ़ायदा है नहीं।